माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मास फूड कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा यूनिक और टेस्टी तिल और शक्कर के मीठे पापड़। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपको मार्केट में भी शायद ही कहीं मिलेंगे और ये इतने ज़्यादा टेस्टी हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इस रमज़ान पे सभी को ये बहुत पसंद आएंगे और ये देख सकते हैं आप हमारे पापड़ कितने बढ़िया बने हैं। और इसे आप साल भर के लिए आराम से स्टोर करके एयरटाइट डिब्बे में रख भी सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए बनाते हैं हमारे टेस्टी मीठे तिल के पापड़। इसके लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जो है साबूदाना वो ले लिया है और 1 किलो जो है सादे वाले चावल ले लिए हैं, या आप कोई भी चावल ले सकते हैं। तो ये 1 किलो चावल को मैंने अच्छे से धो के और धूप में सुखा लिया है पहले। तो चावल को हमें धोकर और सुखा कर ही लेना है और साबूदाने को हम ऐसे ही लेंगे और ये करीब दोनों चीज़ मिला के 1.25 किलो होगी। तो इसको मैंने चक्की में अच्छे से इसका आटा पिसवा लिया था। आप चाहें तो अपने घर पे मिक्सी में भी इसे पीस कर रेडी कर सकते हैं इस आटे को। अब ये हमारा आटा जो है पीस कर रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं मेजरिंग कप ले रही हूँ, आप कोई भी कटोरी भी ले सकते हैं। तो ये एक बाउल में मैं 2 मेजरिंग कप भर के जो है हमारा पापड़ का आटा वो ले रही हूँ। और अब हम यहाँ पे गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे, थोड़ी सी बड़ी और भारी तले वाली कढ़ाई ज़रूर लें आप। और उसमें हम उसी मेजरिंग कप से अच्छे से भर के पूरे और 4 मेजरिंग कप पानी डालेंगे। हमारा आटा 2 कप है तो हम 4 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे पानी हमारा गर्म हो रहा है जब तक कि मैं आपको बता रही हूँ जो हम इसमें डालेंगे। ये करीब 1.5 से 2 टेबल स्पून तिल है और करीब 2.5 से 3 टेबल स्पून शक्कर है, या आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसे हमें साइड में रख देना है और हमारा पानी जो है अच्छे से गर्म हो रहा है। तो अब ये जो है साजी का फूल, या फिर आप पापड़ का मसाला या पापड़ खार, किसी भी नाम से किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आप आराम से इजीली ला सकते हैं। इसे हम 3 टीस्पून भर के अच्छे से पानी में डाल लेंगे। आप छोटा जो चम्मच होता है चाय वाला वो भी ले सकते हैं अगर आपके पास टीस्पून नहीं है तो। यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून जो है पापड़ खार डाल दिया है और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो गया है तो हम एक बार और इसे पानी को हिलाकर और फिर बेचेस में हम थोड़ा थोड़ा करके ही जो हमारा चावल का पापड़ का आटा है वो हम डालेंगे। इसे एक साथ हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। और हम थोड़ा थोड़ा डालने के बाद मैं बता रही हूँ इस तरह से हमें बीच बीच में चलाते हुए और पूरा आटा हमें डाल देना है पानी में। इसे अच्छे से हम बीच में घोटते रहेंगे जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और फ्लेम को हमें लो ही रखना है। पानी उबलने के बाद जब हम आटा डालना स्टार्ट करें तब हम फ्लेम को बिल्कुल लो पे थोड़ा थोड़ा आटा डाल के और इस तरह से मिक्स करते रहें। अब इसके बाद जब हमारा पूरा आटा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें तिल और शक्कर डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारा आटा इतना गर्म है कि शक्कर और तिल फटाफट इसमें मिक्स भी हो जाएगी। अब हम आटे को थोड़ा सा एक सार कर देंगे और फिर इस पर हम एक ढक्कन जो है ढक के और इसे 15 मिनट के लिए अच्छे से हम इसे दम करना है। तो ये हमने ढक्कन को ढक दिया है और हम इसे डायरेक्ट नहीं दम करेंगे, पहले एक तवा रखेंगे फ्लेम के ऊपर और फिर उसके ऊपर हम ये हमारी ढकी हुई कढ़ाई रख देंगे और इसे कम से कम 14 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम होने दें, तभी हमारे पापड़ बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब ये 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा बिल्कुल बढ़िया दम हो चुका है और ये एकदम पापड़ बनाने के लिए रेडी है। ये आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर कितना ग्लॉसी हो चुका है और मेरी उंगली भी जल गई है। अब हम यहाँ पे एक बाउल में इसे खाली कर लेंगे और अच्छे से थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए इसे इसी तरह से हम मल लेंगे किसी चम्मच की मदद से, जिससे कि हमारा आटा और बढ़िया हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक पापड़ की मशीन ले रही हूँ और उस पर मैंने एक पॉलीथीन रख दी है अच्छे से धो के, और थोड़ा सा उस पर हम ऑयल लगाएंगे और अपनी पसंद के हिसाब से हम एक गोला इस तरह से रख देंगे चम्मच की मदद से। और दूसरी पॉलीथीन जो है वो भी हम तेल लगा के इसके ऊपर इस तरह से रख के और हल्के हाथ से प्रेस करके और पापड़ बना लेंगे। ये देख सकते हैं आप हमारा पापड़ बिल्कुल बढ़िया रेडी हो गया है। अगर आपके पास पापड़ की मशीन नहीं है तो आप इसे चकले पे थाली से भी बेल के रख सकते हैं। अभी हम ऊपर की जो है पॉलीथीन हटाकर और जो दूसरी पॉलीथीन है इसको बड़े ही ध्यान से इस तरह से पलट देंगे और ये अगर बीच में से इस तरह से फट भी जाता है डालने पे तो इसे उंगली से हम अच्छे से करके और आइट साइड भी जो हल्का अगर मोटा हो पापड़ तो उसे हाथ से सही करके और फिर धीरे से पॉलीथीन को हटाएंगे ध्यान से। और ये हमारे पापड़ इस तरह से हम सारे डालकर रेडी कर लेंगे। और पापड़ों को हमें एक अच्छी साफ़ सुथरी पॉलीथीन के ऊपर ही डालना है क्योंकि ये पॉलीथीन पे आसानी से निकल जाते हैं और उस पॉलीथीन पे तेल लगाना बिल्कुल ना भूलें और उसके बाद ही पापड़ डालें। अब यहाँ पे 3 से 4 घंटे बाद मैं पापड़ों को पलट दूंगी और अच्छे से पूरे दिन की धूप इसे लगने दें
और ये पूरे दिन की धूप के बाद ही आप पापड़ देख सकते हैं, ये अच्छे से सूख चुके हैं। लेकिन मैं इसे दूसरे दिन की धूप एक दिन की और दिखाऊंगी, ताकि इसमें अगर कुछ हल्का फुल्का और पानी वगैरह रह गया हो या गीले हों तो ये अच्छे से सूख जाएँ। और ये हमारे पापड़ बिल्कुल बनकर रेडी है, आप इसे साल भर के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको तल के भी बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने तेल अच्छा गर्म कर लिया है और फ्लेम को फिर मीडियम से लो पे करके और ये पापड़ डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पापड़ कितने बढ़िया फूले हैं और एकदम पतले और टेस्टी पापड़ बनकर रेडी है। और फ्रेंड्स, ये मैंने पहली बार ट्राई किए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था पहले कि बहुत ज़्यादा टफ है पापड़ बनाना, लेकिन मेरी सासू माँ से मैंने पूछ के और उन्होंने मेरी मदद की और बहुत ही टेस्टी पापड़ बनकर रेडी हुए, ये आप देख सकते हैं। तो आपके लिए मैं बाद में और भी बढ़िया बढ़िया फ्लेवर के पापड़ की रेसिपी ज़रूर लाऊंगी। ये आप देखिए कितने बढ़िया, एकदम पतले और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड। और फ्रेंड, मैंने पापड़ का आटा थोड़ा ज़्यादा पिसा के रख लिया था, इसमें से मुझे सिर्फ 20% ही आटा लगा है और इससे करीब 45 से 50 पापड़ बनके हमारे रेडी हुए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।